सत्य न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिफ अली मालेगांव से, और आज हम बता रहे हैं मालेगांव शहर का सबसे चौड़ा 60 फुटी रोड जो एकदम उजड़ा और पुजड़ा है कई जमानों से, और एकदम ये सड़क जिसकी कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर SDPI पार्टी के मेम्बरान आए हुए हैं। आइए हम इस सड़क का जायज़ा भी लेते हैं और SDPI के जो मेम्बरान हैं उनसे हम बात भी करते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं इस शहर में इस खराब रोड और सड़क के। ठीक है, गुज़िश्ता कल मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक वक्त की शक्ल में पार्टी के जिम्मेदार ने सहायक म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और अकबरी किराना से मदनी नगर पावर हाउस तक जो 60 फीट का रोड है इस ताल्लुक से हमने यहाँ के हालात उनके सामने रखे। यहाँ के हालात उनको बताने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ बजट नहीं है हमारे पास, उसका एस्टीमेट बनने वाला है, दीगर बातें की उन्होंने। आज मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से पार्टी के वर्कर्स और जिम्मेदारान को लेकर हमने, जैसा कि अपने लेटर में हमने उनको लिख कर दिया था गुज़िश्ता कल, कि हम एक अनोखा एहतजाज करेंगे, एक अनोखा मुजम्मती मुहिम चलाएंगे हम, उसी की एक कड़ी, उसी बात पर हम अमल करते हुए आज हमने यहाँ के जितने गड़े थे उन गड़ों में चूना और कलर मारकर उसको मार्कआउट किया और अंधी बहरी कॉरपोरेशन को हमने बताने की कोशिश की कि खड्डे किस हाल में हैं या ये सड़क किस हाल में है और यहाँ की आवाम किस हाल में। हमने करीब आधे रोड में हमारी गोनी ख़त्म हो गई चूने की, कुछ खड्डे तो ऐसे हैं जिनमें हम चूना भी नहीं मार सकते। आवाम इस हद तक परेशान हैं कि गुज़िश्ता क्वालिटी का हम देख रहे हैं शहर में। आज जितनी सड़कें साफ पिछले साल दो साल में जितनी सड़कें डामर की बोलो या हॉट कंक्रीट की बोलो, आज सब के काजू बादाम बाहर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में दुआ हो रही है, अगर दुआओं ने रंग लाया और अल्लाह की रहमत बरसी तो काजू बादाम की जगह नारियल और तरबूज भी बाहर आ जाएंगे। मैं समझता हूँ यहाँ जितने खड़े हैं सब मुत्तफिक है मेरी बात से, जितनी सीमेंट की रोड बनी थी सब के काजू और बादाम बाहर आ गए। आने वाले वक्तों में इससे मज़ीद बुरा हाल होने वाला है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रशासक की आँखें नहीं खुलती हैं, अगर उनका ध्यान इधर नहीं आता है, तो जैसा कि हमने कहा है हम इसको बिल्कुल उसी तर्ज पर हमारी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। आवाम के दरमियान में जाके बोलेंगे भैया मुतमईन है क्या, नहीं है ना, डाल चूना बना कवर। हम आवाम के बीच में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, आवाम को लेकर हम तहरीक चलाएंगे। ठीक, क्या अगर आवाम मुतमईन है तो 10 क्या 20 क्या 50 साल के लिए दे दो, मगर चूँकि हिंदुस्तान में आवाम का राज है, जमहूरियत है, अगर आवाम नहीं चाहती है कि ऐसी कोई कंपनी या ऐसा कोई ठेकेदार मालेगांव शहर में काम करे तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई है कि मुद्दत वार दे दे। अगर ऐसा होता है तो मालेगांव शहर SDPI पार्टी सफ़े अव्वल में आके इसकी मुखालफत करेगी और एक अवामी तहरीक चलाएगी। अब वापस इस रोड पे आते हैं, हमने जैसा कि लेटर में कहा था कि हम अनोखा एहतजाज करेंगे, आज हमने कलर या चूना मार कर एहतजाज किया है। आने वाले वक्तों में हम इन गढ़ों में कांटे रखेंगे, फूल रखेंगे, वक्त आने पर हम इन गढ़ों के नाम देंगे, म्युनिसिपल प्रशासक के नाम से गढ़ा बनाकर जो गढ़ा है उसका नाम दिया जाएगा, डिप्टी कमिश्नर के नाम से गढ़े का नाम दिया जाएगा, और जितने भी सियासी लीडरान ने सत्ता भोगी है, सत्ता का लाभ लिया है और यहाँ पे खड्डे बांटे हैं, हम उन सबों के नाम से इन गढ़ों का नाम रखेंगे और वक्त आने पर प्रशासक की यहाँ कबर भी बनाएंगे इंशाल्लाह। मालूमात किसी ने बताया हमको कि एक गाय को करंट लग गया, रास्ता ख़राब होने की वजह से वायर टूट गया, वो गाय खंभे के करीब गई और वो गाय मर गई। कौन है जिम्मेदार? ये अंधी बहरी कॉरपोरेशन और इसको चलाने वाले यहाँ के जिम्मेदारान। और वो गाय भी, अभी किसी ने कहा कि वो गाय भी हमला थी, तो ये इंतहाई दुख। ठीक है वो गाय थी तो इंसान भी हो सकता था। तो बोलने का मतलब ये है कि आज इस सड़क की, मैं समझता हूँ मालेगांव शहर में हर सड़कों के हालात ऐसे ही हैं, गुज़िश्ता दो दिन से हम देख रहे हैं कि लीडरान एक मखसूस रोड के ताल्लुक से कह रहे हैं कि यार यहाँ का टेंडर निकालो, टेंडर निकल चुका है तो वर्क ऑर्डर लो, काम शुरू करो,
ठीक है ना, शहर में वही एक रोड है क्या, या वही चुनिंदा रोड है क्या? बाकी शहर के रोड जो खराब हैं उनके ताल्लुक से कौन बोलेगा, कौन आवाज़ उठाएगा? अभी और दो दिन पहले से एक चल रहा है मामला वाटर ग्रेस कंपनी को लेकर। मामला ऐसा आया वाटर ग्रेस कंपनी का कि मुद्दत वार, उनका टेंडर ख़त्म हो चुका है, मुद्दत वार देने की बात आ रही है। मैं कहता हूँ बेशक मुद्दत वार क्या और 10 क्या और 20 साल के लिए दे दिया जाए, मगर इससे पहले सोशल ऑडिट होना चाहिए। सोशल ऑडिट क्या होता है यहाँ ये समझने की ज़रूरत है। अवाम के दरमियान में जाके अवाम से इसकी राय ली जाए कि सोशल ऑडिट हमको करना है, अवाम को बताया जाए कि आप इस टेंडर से या आप इस वाटर ग्रेस कंपनी से इनके काम से चूना मार कर से आवाम को, आवामी नुमाइंदों को और इस शहर के प्रशासक को ये इशारा दिया कि इस शहर के ऊपर बहुत ज़्यादा गड़े, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आज शहर में फतेह मैदान से लेकर पवार वाली रोड का ही विषय चल रहा है। वो विषय इसलिए चल रहा है कि वो मुद्दा भी आवाम के सामने आना ज़रूरी है। तीनों लीडर, इस शहर की तीन बड़ी सियासी पार्टियां अपने आप को वो रोड का क्रेडिट लेने के लिए यानी तुली हुई है। उसका सिर्फ मकसद ये है कि वो ठेका तीन ठेकेदारों ने भरे और तीनों सियासी पार्टी के ठेकेदार। तीनों का मानना ये है कि वो हमारे को ठेका मिले, हमको कमीशन मिले। और हमारा प्रशासक से बोलना ये है, HDPI खुला ये ऐलान करती है कि मालेगांव शहर के जितने भी ठेकेदार हैं इन ठेकेदारों के रजिस्टर रद्द किया जाए, इनको ठेका ना दिया जाए। बाहर की जो अच्छी कंपनी है, जो अच्छा काम करने वाली है, उनको ठेका दिया जाए। ये जो शहर के ठेकेदार हैं, शहर का नुकसान करने में सबसे ज़्यादा इन ठेकेदारों का हाथ है। हम देखते हैं कि ये जो रोड बना करके, जो रास्ता बना करके, जो तामीरी काम करके जाते हैं, ये 2 से 3 महीने के अंदर ख़राब हो जाता है और यहाँ का डिपार्टमेंट, यहाँ का प्रशासन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। जबकि टेंडर की वृद्धता ये है कि 3 साल तक उस रोड के अंदर जो गड़े होंगे, जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई उस ठेकेदार को करना है। मगर यहाँ के लीडरों के जो दलाल ठेकेदार हैं, या ये ठेकेदारों के जो दलाल लीडर हैं, प्रशासक के पुतले को, बिल्कुल प्रशासक के पुतले को ला के हम जलाने और उसको फूल हार और कलीपा पोती नहीं करेंगे। हम कबर बनाएंगे और प्रशासक के पुतले को उसके अंदर डालेंगे। कोई सवाल अगर करना है तो कर। मैं पूछता हूँ, हाँ थोड़ा सवाल कर लो। वाटर ग्रेस कंपनी का अभी जैसा कि सर, ये जो वाटर ग्रेस कंपनी का मुद्दत वार जो आप बता रहे हैं, तो ये आम आवाम जो इसको नहीं समझ पाती, क्या चीज़ है इसकी, आप वजाहत भी करें आसान भाषा में। एकदम मैं साफ लफ्ज़ में बताता हूँ कि गुज़िश्ता 10 सालों से मालेगांव शहर का साफ सफाई का, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कचरे का ठेका, एक वाटर ग्रेस कंपनी नासिक की है, जिसके कई सियासी लोग भी, हमारी मालूमात ऐसी है कि वो भी पार्टनर है उसके अंदर, वो ठेका गुज़िश्ता 10 सालों से वाटर ग्रेस कंपनी के नाम पे है और आने वाले वक्तों में वो ठेका ख़त्म हो रहा है। कॉरपोरेशन नया टेंडर नहीं निकाल रही है और वही कंपनी को कंटिन्यू कर रही है, उसको कहते हैं मुद्दत वार। मुद्दत वार मतलब टेंडर की जो म्याद है वो ख़त्म हो चुकी है और उसको बढ़ाकर देने का प्लानिंग चल रही है। तो हमने इस पर यही कहा है कि सोशल ऑडिट होना चाहिए, आवाम के दरमियान में जाकर आवाम से सवाल किया जाए कि ये ठेके से आप अगर मुतमईन हैं तो बिल्कुल दिया जाए, और अगर नहीं है तो फिर किसी की मान है कि वो ठेका कंटिन्यू करके बता देवे जी। ये प्रशासन की नाकामी पर आवाम को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, जब आवामी नुमाइंदों का राज था तो आवाम को ऐसा लगता था कि आवामी नुमाइंदे काम नहीं कर रहे हैं, और कुछ करते थे कुछ नहीं करते। हम भी मुतमईन इससे मुत्तफिक हैं कि कुछ करते थे कुछ नहीं करते, मगर आवामी नुमाइंदों का राज ख़त्म होने के बाद से आवाम को ये उम्मीद थी कि आने वाले वक्तों में प्रशासक का राज है। प्रशासक चूँकि ज़िम्मेदार होगा पूरे शहर का, और वो अकेला ही होगा, वो ये नहीं कर सकता वो कॉरपोरेटर ऐसा और वो फलाना ऐसा और ढिमका ऐसा। प्रशासक होल एंड सोल क्या कहते पूरा ज़िम्मेदार वो था, इसलिए आवाम को उम्मीदें थी कि प्रशासक राज में कहीं ना कहीं शहर का भला होगा, मगर शहर आज किस पोजीशन में है, शहरियान के सामने है। आज हम दुआ कर रहे हैं कि प्रशासक राज जल्दी से ख़त्म हो और आवामी नुमाइंदों का राज आए। प्रशासक राज अगर ऐसा होता है तो अल्लाह बचाए ऐसे राज से। सर, प्रशासक राज जो है अभी लगभग कुछ ही दिनों से, लेकिन उससे पहले ऐसे हालात हैं, करीब साल भर हो चुका है, आपकी मालूमात बता दो, साल भर से ऊपर हो चुका है प्रशासक राज है। प्रशासक राज में गटरों का, सड़कों का, वार्ड में या शहर में
कहीं भी साफ सफाई का ये जो सड़क है सर, इसको 4 साल से ऐसे यतीम लावारिस बिगर माँ बाप की। अब वो तो यहाँ के अवामी नुमाइंदे जिन्होंने अवाम ने जिनको अवाम ने चुनकर भेजा था, ये सवाल उनसे करने वाला है कि आप लोग कहाँ थे जब वो नहीं किए उन्होंने, तब ना हमको यहाँ आना पड़ा। अगर वो करते या ये रोड दुरुस्त होता तो हम क्यों आते हैं चूना मारने यहाँ। देखिए हर वार्ड का लगभग यही हाल है, अवामी नुमाइंदों ने काम नहीं किया है।